जौनपुर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम के साथ जिलाधिकारी चिकित्सालय को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पांडे के चिकित्सक की उपस्थिति दर्ज करवाई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जिसको दौरान जिलाधिकारी द्वारा ही पंजीयन कक्ष, दवा वितरण कक्ष का निरीक्षण किया गया। भर्ती मरीज लालजी द्वारा पूछताछ की गई। उनका कहना है कि डॉक्टर द्वारा बाहर से दवाइयाँ तो नहीं लिखी जाती, जिस पर मरीज के परिजन द्वारा अवगत करवाई गई कि बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखी गई, परंतु कुछ दवाइयाँ यहाँ पर नहीं प्राप्त होती। जिलाधिकारी द्वारा मरीज का पर्चा लेकर सिटीजन विटामिन D3 एवं ओमेप्रोजेल की दवाइयाँ नहीं दी जा रही थी, जिस पर जिलाधिकारी का दवा वितरण कक्ष पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त की गई है। बताते चले कि जिस जिलाधिकारी ने औषध कक्ष निरीक्षण किया, डॉक्टर द्वारा जानकारी मिली कि दवा औषध कक्ष स्टाफ में 10 दिन से पूर्व ही दवा उपलब्ध है, जिस पर जिलाधिकारी ने फार्मासिस्ट शैलेंद्र यादव, मनोज तिवारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया। बता दें कि आपस में तालमेल रखते हुए मरीज को दवा वितरण अवश्य कराया जाए, अन्यथा दशा में जवाबदेही तय की जाएगी। प्राइमरी के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय का आज मैंने निरीक्षण किया है, और जो हमारा पर्चे का काउंटर है उसको देखा, जो स्टोर का हमारा ड्रग स्टोर है उसको देखा, जो हमारा ड्रग इशू काउंटर है देखा, जो हमारे भर्ती पेशेंट हैं उनको भी देखा, और जहाँ खास करके जिला चिकित्सालय में OPD हो रहा था तो वहाँ भी OPD का राउंड लिया गया। सभी जो चिकित्सक हैं उनसे भी बातचीत की और कुछ मरीजों से भी बातचीत की। तो कुछ समस्याएँ दिखी हमें, जैसे कि कुछ जो हमारे मरीज थे उनको लिखी हुई दवाई नहीं मिल रही थी जिला चिकित्सालय में, तो उसका ड्रग स्टोर से हम लोगों ने मिलान करने की कोशिश की, तो अभी पूरा हमारा मिलान नहीं हो पाया कि वो ड्रग कितना स्टोर में है और कब इंटेंट दिया गया। अगर ड्रग स्टोर में नहीं है तो इंटेंट कब दिया गया, ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो पाई, उसको देखने की आवश्यकता है। साथ ही जो हमने राउंड लिया, जैसे वार्ड्स का राउंड लिया, तो उसमें कई जगह मुझे मरीज की आवश्यकता, ज़्यादा सफाई की आवश्यकता देखी है। ऐसे ही महिला चिकित्सालय में उन्होंने भ्रमण किया है, खास करके चूँकि यहाँ 12 से ज़्यादा बज गया था तो OPD तो बंद हो गया था, बट जो हमारा पोस्ट नेटल जो भर्ती वार्ड है उसको देखा गया, वहाँ मरीज भर्ती थे उनको देखा गया, सभी चिकित्सकों से बातचीत की गई। तो यहाँ तो खैर साफ सफाई की स्थिति मुझे ज़्यादा ठीक लगी, नई बिल्डिंग भी है तथापि और जो इंस्पेक्शन का जो रिपोर्ट है वो भी मैं विभाग को भी प्रेषित करूँगा और सभी जो हमारे CMS हैं उनको भी कंप्लेंट करूँगा। सर, आपने बेड शीट को लेकर फटकार लगाई, ये क्या थी? देखिए, दो तीन चीज़ बेसिक है अस्पताल में, तो यह है कि बेड शीट डे के हिसाब से कलर कोडिंग है, उसी के हिसाब से लगना चाहिए, जो मुझे दोनों ही अस्पताल में प्रॉब्लम दिखी है कि वो उस कलर कोड के हिसाब से नहीं था। और दूसरा, जैसे जो जनरल क्लिनिक्स में अगर वार्ड में कोई डस्टबिन रखा हुआ, खास करके जिला अस्पताल में समस्या दिखती थी, डस्टबिन वगैरह हैं तो डस्टबिन प्रॉपरली पॉलिश से कवर होना चाहिए, तो वो उस चीज़ की मुझे कमी वहाँ पर दिखी। कई जगह मुझे लोगों ने, क्योंकि थोड़ा सा बिहेवियर और अवेयरनेस का इशू है, कई जगह मुझे थूका हुआ दिखा, तो उसमें जो गार्ड वगैरह ड्यूटी पे थे उनको भी मैंने निर्देश दिया है कि उसको ध्यान रखें, CCTV कैमरा लगाएं, और अगर कोई व्यक्ति थूकता हुआ पाया जाता है तो उसको डिस्करेज करें, ज़रूरत हो तो जुर्माना भी लगाएं। तो ये सब चीज़ें दिखी।